नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बीजेपी महासचिव का कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर निशाना, बोले सनातन धर्म और हिंदुत्व अलग है। ममता बनर्जी की चुप्पी पर अधीर चौधरी ने उठाए सवाल, अडानी मुद्दे पर दीदी को चुप रहने को मिले होंगे निर्देश। युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ, पूर्वोत्तर व अन्य राज्यों के युवाओं की दूरियां। रूसी राजदूत डेनिस अलिपेव का बड़ा बयान, बोली भारत और रूस के बीच संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन की घोषणा, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मिलेंगे 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया का दावा, कहा येदियुरप्पा के बेटे बन सकेंगे मंत्री, सीएम बोम्मई ने नहीं किया कैबिनेट विस्तार। मशहूर अभिनेता परवेश रावल को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर रद्द करने का आदेश। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी अस्पताल में भर्ती, निमोनिया और बुखार की शिकायत। कैथल में चार नाबालिग कातिल गिरफ्तार, कबड्डी के बहाने साथी को बुलाकर मारा, लाश मिट्टी में दबाई। सड़कों पर घूमते स्नो लेपर्ड का वीडियो वायरल, बर्फबारी के बीच लाहौल स्पीति के गांव दंगल में दिखा हिम तेंदुआ। तेलंगाना सरकार को हाईकोर्ट का झटका, बीआरएस विधायक के अवैध शिकार के प्रयास का मामला सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका खारिज। आरएसएस प्रमुख पर शंकराचार्य ने उठाए सवाल, बोले गीता में भगवान ने कहा कि वर्ण उन्होंने बनाए, भागवत कौन सा अनुसंधान कर लिया। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टला, 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी के बाद हंगामा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी, अवैध निर्माण ढहाने पर आतंकी धमकियां मिल रही हैं, पथराव भी हो रहे हैं। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, का भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं, हेट स्पीच को कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ेंगी मुश्किलें, कानपुर में एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने फैक्ट्री कब्जा करने की शिकायत की। यूपी में रोडवेज बस में सफर हुआ महंगा, हर किलोमीटर के देने होंगे 25 पैसे एक्स्ट्रा, लखनऊ से कानपुर का किराया 140 रुपए। भारत से रेस्क्यू टीम तुर्की रवाना, गाजियाबाद से योगी की मंत्री ने की अखिलेश की तारीफ, असीम अरुण बोले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दोबारा प्रयास करिए। मिर्जापुर में बाबा बालेश्वर महादेव का प्रथम वार्षिक उत्सव, कल से 11 फरवरी को महारुद्राभिषेक होगा।
दत्तक बेटा बना मां का कातिल, रसोई में हत्या की मुंह के बल, इसलिए रिटायर की पुलिस को बता सकूं कि गिरकर मौत हुई है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप से मिलेगा सपा प्रतिनिधि मंडल, जावेद पंप समेत 95 को किया गया था गिरफ्तार। हापुड़ में 1.60 करोड़ की लागत से बनेगा गो आश्रय स्थल, 500 निराश्रित गोवंश रखे जा सकेंगे। मुजफ्फरनगर में एसएसपी ने थानों का किया निरीक्षण, महिला संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मिर्जापुर में एसपी संतोष मिश्र परोसा भोजन और थाने में पुलिस के जवानों के लिए बना यादगार पल। गाजीपुर में सड़क किनारे पड़ा महिला का शव, भाई ने नामजद तहरीर देकर लगाया हत्या का आरोप। हरदोई में सियासी मामले में पुलिस बनी भागीदारी, पंचायत चुनाव को लेकर एक पार्टी के 10 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई। रामपुर में दादा का हत्यारोपी पोता चाकू समेत गिरफ्तार, मनपसंद जगह पर शादी न करने से था नाराज, दो महीने बाद थी शादी। उन्नाव में मवेशी से टकराकर कार खलटी में पटली, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, कार सवार शादी समारोह में जा रहे थे। झांसी में खुलेगी पहला निजी यूनिवर्सिटी, 40,000 करोड़ का निवेश होगा, 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री ऐसे मारूड की सपा को सलाह, सहारनपुर में बोली जोड़ने वाला काम करे तोड़ने वाला नहीं। ललितपुर में रहस्यमय ढंग से बीमा एजेंट लापता, पत्नी बोली भागवत कथा सुन रहे थे, फोन आया और कहीं चले गए। बाइक का लॉक तोड़ा और चोरी कर ले भागे, बरेली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाला गिरोह को पकड़ा। बलिया में झोपड़ियों में लगी भीषण आग, 4 परिवारों के गृहस्थी जलकर राख, बेटी की शादी के लिए रखा था सामान। सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार को मारी गोली, हापुड़ में एक आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा। यूपी पुलिस के रंगरूट चमकाएंगे राज्य के इमेज, G20 में 500 स्मार्ट पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारियों का रोका वेतन, सामुदायिक शौचालय और स्कूल के बाउंड्री वॉल पूरा कराने का निर्देश। ललितपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकराई। सीतापुर में बुलडोजर के खिलाफ हिंदू शेर सेना का प्रदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले भाजपा नेत्री के इशारों पर चला बुलडोजर। ललितपुर में किसान की मौत, परिजन बोले दिल का दौरा पड़ने से घटना हुई है, पीएम रिपोर्ट के कारण नहीं पता चला। स्टेज पर परफॉर्म करते समय पखावजवाद की मौत, लखनऊ के सनतकदा महोत्सव में पड़ा हार्ट अटैक।
चंदौली के डिप्टी एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट अवमानना नोटिस के बावजूद कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। सीटेट परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, हेयर स्टाइल देख चेकिंग के दौरान केंद्र व्यवस्थापक को हुआ शक। चौकीदार ने दर्ज कराया धर्म परिवर्तन का मुकदमा, कौशाम्बी में चमत्कार दिखाकर धर्म बदलवाने का आरोप। कानपुर में माफियाओं की धमकी से पीड़ित की मौत, करोड़ों की जमीन हड़पी, दहशत में पूरा परिवार। जोशीमठ में भी उधसाव के बाद अब नीचे खिसक रहे विशाल चट्टान व बोल्डर, रिहायशी इलाकों को खतरा। उत्तराखंड में बारात बीच में रोककर परीक्षा देने कॉलेज पहुंचा दूल्हा, दुल्हन और घरवाले करते रहे वेट। उत्तराखंड में कैबिनेट की मुहर के बाद केंद्र को भेजा जाएगा राहत पैकेज का प्रस्ताव, 10 अप्रैल को होगी बैठक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डीजीपी के नाम पर ठगे 10 लाख रुपए, दौलत कुंवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के बागेश्वर में छुट्टी के दिन ड्यूटी करने से तनाव में था ड्राइवर, गुस्से में आकर दिया अधिकारी के घर पर फायरिंग। उत्तराखंड में पत्नी की बेवफाई का शिकार हुआ पति, प्रेमी के साथ रहने के लिए बेरहमी से उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हो सकती है G20 की बैठक, नैनीताल अथवा रामनगर में करने पर भी चल रहा है विचार। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सड़क के ऊपर से हुआ भारी भूस्खलन, चपेट में आई लोडर मशीन, दो मौत। अडानी को एसबीआई द्वारा लोन दिए जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा देश में आएगी आर्थिक तंगी। उत्तराखंड पुलिस के सख्ती, गैंगस्टर एक्ट के 13 आरोपियों और 10 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। उत्तराखंड में 10 फीसदी तक बढ़ सकता है चारधाम यात्रा का किराया, 14 फरवरी को बैठक में होगा तय। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों की 3,247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त, नहीं दे पाएंगी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। उत्तराखंड में लंगर में भोजन न मिलने पर सिरफिरे ने ली सेवादार की जान, पेचक नुमा औजार से शरीर पर कई वार किए हैं। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी डीलर अमरदीप चौधरी हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, जमीन का विवाद बनी मौत की वजह। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, 6 महीने में केवल नाम बदला, बच्चों के लिए भी नहीं हुआ पाठ्यक्रम तैयार। तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी की गई थी, नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने दी थी चेतावनी, अब हो रहा है वायरल। तानाशाह किम जोन उन लापता, 35 दिनों से नहीं दिखे, उत्तर कोरिया की मीडिया ने ही किया खुलासा।
खुली आंखों से युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने दी न्यूक्लियर वॉर को लेकर वार्निंग। भीषण तबाही के बीच तुर्की में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 5.9 मापी गई। WHO का दावा, तुर्की सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 8 गुना ज्यादा हो सकता है। भूकंप ने मचाई है भारी तबाही। तुर्की सीरिया के में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4300 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों में मलबे दबे। बांग्लादेश में मंदिर टूटने की घटना के बाद गृह मंत्री असदुज्जाम खान का आया बयान। एर्दोगान के मनमानी से डूबती तुर्की की इकोनॉमी, गिरती करेंसी से बढ़ी महंगाई, घर का किराया 4500 से 30,000 लीरा पहुंचा। इस्लामाबाद के सिक्योर पार्क में गैंगरेप वारदात के बाद आरोपियों ने लड़की को 1,000 रुपए दिए। दस मिनट में 50 गाड़ियां आपस में टकराई, चीन में भीषण सड़क हादसा, 16 लोगों की मौत हो गई है। देश में 7 साल में बने 90,000 नए स्टार्टअप, रियल एस्टेट सेक्टर में 7 साल में 700 गुना बड़े प्रॉपटेक स्टार्टअप। तीन इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर सकता है ओला, 1,00,000 रुपए हो सकती है कीमत, कहा कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। एयर विस्तारा पर लगा 70,00,000 का जुर्माना, उत्तर भारत में तय संख्या से कम फ्लाइट चलाने पर DGCA ने की कार्यवाही। अडानी ग्रुप के गिरवी शेयर रिलीज होंगे, प्रमोटर्स ने 1.1 अरब डॉलर का पेमेंट किया। अडानी पोर्ट का शेयर 8.63% चढ़ा। जनवरी में 14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री, मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.50 लाख कारें बेची। दो करोड़ की रिश्वत मामले में दो रेलवे अभियंता समेत 3 गिरफ्तार, CBI ने की कार्रवाई। टेक कंपनियों में छंटनी का सिलसिला जारी, अब डेल 6,000 से अधिक लोगों की नौकरी से निकालेगी। तेलंगाना विधानसभा में वित्त मंत्री टी हरीश रावत ने पेश किया बजट, खर्चों के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपए। RBI समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में सोना खरीदने की ओर, 2022 में खरीदा $70 बिलियन में 1,136 टन सोना। वेदांता ग्रुप ने डेविड रेड को सौंपा सेमीकंडक्टर से जुड़ा कारोबार, CEO के पद पर किया नियुक्त। पीएम मोदी को गिफ्ट में मिली मेसी की जर्सी, बेंगलुरु में अर्जेंटीना की पेट्रोलियम कंपनी YPF के अध्यक्ष ने तोहफे में दी। हरियाणा के मंत्री पर महिला कोच का नया खुलासा, संदीप ने कॉल कर कहा था जो चाहती हो वो करूंगा, केस वापस ले लो। क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बड़ा बयान, बोली भारत एशिया कप में नहीं आता है तो ICC को एक्शन लेना चाहिए।
फुटबॉल में हुआ नस्लवाद, रियल मैड्रिड के खिलाड़ी विनीशियस जूनियर के साथ किया गया नस्लीय दुर्व्यवहार। वार्म अप मैच में ठंडी पड़ी भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 बैटर नहीं छू पाई दहाई का आंकड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले एरोन फिश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, वनडे क्रिकेट से भी ले चुके हैं रिटायरमेंट। राहुल द्रविड़ ने बदलवा दी नागपुर स्टेट की पिच, खास देख खुश नहीं थे टीम इंडिया के कोच, बदली गई साइड स्क्रीन की पोजीशन। चार से 26 मार्च के बीच होगा विमेंस प्रीमियर लीग, मुंबई और गुजरात फ्रेंचाइजी के बीच हो सकता है ओपनिंग मैच। कश्मीर पर ट्वीट के बाद पाक क्रिकेटर रिजवान ट्रोल हुए, लिखा दुआएं कश्मीरियों के साथ, यूजर्स बोले आतंकी भेजना बंद करो। भारत में टेस्ट सीरीज जीतना एशियस से बड़ा, स्टीव स्मिथ बोले इंडिया को हर मुश्किल है, वार्नर ने स्पिनर्स को माना चुनौती। क्यारा सिद्धार्थ ने शाहरुख को दिया शादी का पहला इनविटेशन, एसआरके और गौरी हैं सिद्धार्थ की नजदीक की होंगी। अभिनेत्री चांदनी को मिला फाल्के अवार्ड, हिमाचल के मंडी शिले की बेटी चुनी गई बेस्ट टीवी एक्ट्रेस। राखी सावंत ने पति आदिल पर लगाए मारपीट के आरोप, बोली मेरा पैर पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले गए। पठान की सफलता पर बोले अनुपम खेर, का अच्छी फिल्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुराग कश्यप को सऊदी अरब में किया गया था गिरफ्तार, डायरेक्टर ने खुद खोली अपनी पोल। ट्रोलर्स के निशाने पर आए अक्षय कुमार, भारत के मैप पर चलते दिखो तो यूजर्स बोली माफी मांगनी चाहिए। आर माधवन पर लगा मुस्लिम विरोधी होने का आरोप, मुस्लिम बहुविवाह को लेकर किया था जोक। तेरह करोड़ का घर छोड़ होटल में रह रही नवाज, मां पति के विवाद से परेशान, घरेलू हिंसा का लगा है आरोप। सबसे तेज 400 करोड़ कमाने वाली फिल्म पठान बनी, बाहुबली 2 और केजीएफ 2 को कम समय में हासिल है उपलब्धि। साउथ एक्ट्रेस लेखा वॉशिंगटन को डेट करें इमरान खान, हाथों में हाथ डाले दिखे यूजर्स, दोनों की केमिस्ट्री लगी सुपर कूल। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।